जहाँ पे एक नॉर्मल इंडियन शादी में 10-15 लाख खर्च होता है, वहाँ पे अनंत और राधिका की शादी में 4-5 हजार करोड़ खर्च हुआ है। बट असली सच ये है कि एक नॉर्मल इंडियन अपनी जिंदगी भर की कमाई की 50-60% अपनी शादी में लगा देता है, जहाँ पे अंबानीज ने अपने नेटवर्थ की 0.1% भी खर्च नहीं किया है। जहाँ पे एक नॉर्मल इंडियन वेडिंग में कोई लोकल चुन्नू मुन्नू डीजे गाना बजाता है, वहाँ पे अंबानी के वेडिंग में इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज परफॉर्म कर रहा है। बट इतना सब इंडिया का रिचेस्ट फैमिली होने के लिए किया जा रहा है या फिर कोई डार्क रियलिटी है जो हम सब इग्नोर कर रहे हैं? इस शादी में कुछ ऐसे चीज हुआ है जो आप नॉर्मल जिंदगी में नहीं देख पाओगे। नॉर्मली आमिर खान किसी भी अवार्ड शो में नहीं जाते, बट इस वेडिंग में गए थे। आज तक कोई भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर शाहरुख, सलमान और आमिर को एक साथ नहीं ला पाए, पर अंबानी से कर दिखाया। अंबानी के शादी की वजह से ही विदाउट एनी फोटोशॉप ममता बनर्जी और कार्डेशियन को एक ही फ्रेम में देखा गया। बॉलीवुड स्टार रेखा और ऐश्वर्या राय की बेटी को एक साथ देखा गया। बाबा रामदेव को पहली बार ऐसा डांस करते हुए देखा गया। मोदी जी आशीर्वाद के लिए चावल दे रहे थे। जॉन सीना को ट्रेडिशनल ड्रेस में अपने सिग्नेचर पोज में डांस करते हुए देखा गया। वेट, यू कांट सी हिम फोकस। शादी में 4-5 हजार करोड़ खर्च हुआ है और रिसेंटली जियो ने अपने रिचार्जेस के प्राइस 35 से 600 रुपीज तक बढ़ाया है। जियो के पास टोटल 47 करोड़ कस्टमर्स है और मान लेते हैं कि जियो की हर यूजर मंथली 209 रुपए की रिचार्ज करवाते हैं, जिसका करेंट प्राइस 40 रुपीज बढ़ के 249 हो गया है। अगर हाइपोथेटिकली सारे जियो यूजर्स ये 249 वाला ही रिचार्ज करवाते हैं, तो जियो एक ही महीने में 1800 करोड़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू कर सकता है। और जो जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट इंडियन पीपल सोच रहे हैं कि मैंने तो 3 जुलाई से पहले ही 1 साल का रिचार्ज करवा लिया। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम। जो यूजर्स महीने का 209 रुपए रिचार्ज करवाता था, वो इस चक्कर में एक ही बार में 3000 का रिचार्ज करवा के सोच रहा है मैंने तो 600 रुपए बचा लिए। अगर मान लेते हैं कि 47 करोड़ जियो यूजर्स में से 1 करोड़ यूजर्स भी 1 साल का रिचार्ज एक बार में करवा लिया है, तो एक महीने में जियो का रेवेन्यू 3000 करोड़ होता है इंस्टेंटली। और जिसको इन्वेस्ट करके कैसे ग्रो करना है वो अंबानी को पता है। तो सिर्फ रिचार्ज से ही ये शादी का पूरा खर्चा रिकवर हो सकता है। और जिस तरह से अनंत और राधिका की वेडिंग वीडियोस वायरल हो रहा है, उसमें हम भी एक्स्ट्रा पैसे देके रिचार्ज करवा के उसका ही प्रमोशन का पार्ट बन रहे हैं। एक शादी में इतने सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, बिजनेस ओनर्स भी इनवाइटेड है, जिससे पूरे वर्ल्ड में अंबानी का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, जो डायरेक्टली इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट में अंबानी के लिए एक पॉजिटिव इमेज बना रहा है। प्री वेडिंग में अनंत अंबानी की 15 करोड़ की वॉच से लेकर शादी के दिन का 54 करोड़ की वॉच तक, ये सब एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आगे जाके अच्छा खासा रिटर्न देगा, क्योंकि लग्जरी वॉचेस के प्राइस डे बाई डे बढ़ता है। ये वेडिंग मुंबई की जियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ है, जो कि अंबानी की ही प्रॉपर्टी की प्रमोशन है। और इसके बाद से बाकी इंडियंस का भी ड्रीम हो जाएगा कि हमारी भी वेडिंग जियो कन्वेंशन सेंटर में हो, जहाँ पे अंबानी की वेडिंग हुआ है। तो अपने ही वेडिंग से अपने ही वेन्यू का प्रमोशन। कुछ ही दिनों में डिज्नी के साथ जियो का कोलैबोरेशन होने जा रहा है, जिसके लिए इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के साथ अच्छे रिलेशन थ्रू द वेडिंग फंक्शन एक बड़ी स्टेप है। आप सोच रहे हो इतना खर्चा क्यों, बट असल में तब कुछ ही इन्वेस्टमेंट है। कुछ दिन पहले अंबानी का ये वीडियो वायरल हो रहा था, जहां पर एक बुजुर्ग आदमी अंबानी के पैर छू रहे थे और नीता अंबानी एक गरीब महिला को ऐसे टच कर रही थी। और उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया में जामनगर की एनिमल रेस्क्यू प्रोजेक्ट बहुत ही वायरल हो रहा था। और 12 जुलाई अनंत और राधिका की शादी के पहले 50 गरीब कपल की शादी करवाई गई। तो ये सारी एक्टिविटीज पुराने एक्टिविटीज को भुलाने के लिए काफी है। अंबानी अपनी शादी में इतना खर्चा करके भी उसका कुछ लॉस नहीं हो रहा है, इंस्टेड उसका बिजनेस का प्रमोशन हो गया, प्लस बहुत सारे सेलिब्रिटीज और बिजनेस ओनर्स के साथ रिलेशन अच्छा हो गया, जो कि फ्यूचर जियो सिनेमा और बाकी बिजनेसेस को भी ग्रो करेगा। अंबानी अपने शादी में पैसे ग्रो कर रहा है, लेकिन हम और आप जैसे नॉर्मल इंसान अपने शादी में जिंदगी भर की कमाई उड़ा देती है। करने दो उनको बिजनेस और आप लोग ये कर। शाहरुख खान से किसी ने पूछा था कि क्या आप तीनों खान किसी मूवी में एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन अंबानी की शादी में तीनों डांस कर रहे थे, वो भी लुंगी के साथ।